नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसे लगातार एंटी करप्शन न्यूज अपना मुहिम बना चुका है। ट्रेड लाइसेंस जिसको लागू किया है महानगर पालिका के आयुक्त ने, आयुक्त के इस फरमान के खिलाफ आज बहुजन विकास अघाड़ी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उन सभी खासकर जनप्रतिनिधि जो बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, मुख्य प्रतिनिधि मंडल मुलाकात उसने की महानगर पालिका के आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त से और उनसे बातचीत किया कि आखिर ये फरमान क्यों जारी किया, तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की। उस दौरान इस प्रतिनिधि मंडल के साथ में व्यापारी प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ गया। वो व्यापारी जो अलग अलग व्यापार से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो लकड़ी वाला हो, चाहे वो किसी फर्नीचर की दुकान का एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी मेडिकल एसोसिएशन हो, तमाम अलग अलग एसोसिएशंस के अध्यक्ष उनके साथ में, क्षेत्रीय अध्यक्ष उनके साथ में गए थे और उस पर अतिरिक्त आयुक्त के साथ में बैठक हुई। उस बैठक में साफ तौर पर चर्चा हुई कि आखिर ये फरमान जारी क्यों किया गया। इस पर एक व्यक्ति ने तो साफ तौर पर चैलेंज कर दिया कि अगर आप सील करने आएंगे तो ऐसी भाषा, सील करने जैसा फरमान जो आप जारी कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी आप वीडियो देखिए। साथ ही आप देखिए किस प्रकार प्रवीण शेट्टी जो पूर्व महापौर थे, उन्होंने इस पूरे विषय पर किस प्रकार अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपनी सफाई दी कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकाल में इस तरह का जो प्रावधान आया था, वो प्रस्ताव किस प्रकार था, का था, इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। महापालिकेतर्फे एक नवीन ट्रेड लायसन्स साठी एक नवीन कर लावण्यात आलेला आहे, ज्याच्याबद्दल सगळ्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा गेल्यात आणि व्यापाऱ्यांमध्ये एक असंतोष निर्माण झाला। करोनाच्या पार्श्वभूमीवरती हा कर शासनाने लावायला गरज नव्हती, अनेक कर महापालिका घेते, त्याच्यात आणखीन एक ॲडिशनल वेगळेवेगळे कराच्या मार्फत नगरपालिकेमध्ये पैसे जमा होतात, त्याच्यातले लूपहोल्स वगैरे जरी आपण बंद केले तरी आणखीन त्याच्यातनं उत्पन्न होऊ शकते, तो उत्पन्नाचं हे आणखीन नवीन कर लावण्याची गरज नव्हती। त्या कराच्या विरोधात आम्ही आज व्यापारी सर्व बहुजन विकास पक्षाचे सगळे प्रतिनिधी आम्ही सगळ्यांनी आज व्यापाऱ्यांबरोबर मिळून आज आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलेलं आहे का हा कर रद्द करण्यात यावा आणि जे काय महापालिकेतर्फे नोटीस देण्यात आले तो मागे घेण्यात यावे। सर, महासभेमध्ये हा प्रस्ताव आपणच मांडण्यात आलेला होता, म्हणजे आता हा विरोध काय? नाही ना, हा चुकीचा एक समज पसरवला जातोय, कारण महासभेमध्ये ठराव जो झालेला आहे तो नगरपालिके, तुम्हाला व्यापार करायचा असताना जो नाहरकत दाखला असतो, जो वन टाईम फी आम्ही घेणार होतो, तो वन टाईम होता, हा तर त्यांनी दरवर्षी लावलेला आहे। हा असंच मिक्स करून ते लोकांची गैरसमज करतात का महापालिकेने असं ना, महापालिकेमध्ये कुठचाच ट्रेड लायसन्स संदर्भातला ठराव मंजूर झालेला नाही आहे, हा खोटा प्रचार आहे। सुना आपने, ये थे पूर्व महापौर प्रवीण शेट्टी की बात। प्रवीण शेट्टी के बाद सुनने के बाद ये तो बात स्पष्ट है कि अब कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इस ट्रेड लाइसेंस वाला फरमान। यानी अब राजनीतिक दलों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि महानगर पालिका के वो आयुक्त जो ठेठ हैं, अड़े हुए हैं उस फरमान के साथ में, वो कब इसे वापस लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो व्यापारी गढ़ क्या करेंगे इस ट्रेड लाइसेंस के साथ, देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी रहेगा इस ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ अपनी जंग। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह का वातावरण तैयार होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।